जिन लोगों ने किया उन लोगों ने भगवा साफा भी बांध रखा था तथा उनके द्वारा खुद ही मजारों को डैमेज किया गया, वहाँ आगजनी की गई। कांवड़ का मुख्य त्यौहार चल रहा था, ऐसी घटना कारित की गई, ये दर्शाता है कि मंशा गलत थी और ऐसा अगर होता तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सर बिजनौर की जो घटना है उसको लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि एक धार्मिक साजिश थी, एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश थी, क्या पूरा मामला था और क्या अभी तक निकल कर आया इसमें? नहीं, स्पष्ट ये वहाँ के शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश थी, क्योंकि जिन लोगों ने किया उन लोगों ने भगवा साफा भी बांध रखा था तथा उनके द्वारा खुद ही मजारों को डैमेज किया गया, वहाँ आगजनी की गई। पुलिस ने और प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए चीज़ों को नियंत्रित किया, उनकी गिरफ्तारी की और उनसे जो प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त हुई उसके हिसाब से उन लोगों ने 3 मजारों को डैमेज करने किया था और सबसे पहले 11:30 बजे दिन में ही एक कर दिया था और वो किसी के संज्ञान में नहीं आया। ये जब बाद में जब पकड़े गए पूछताछ पे पता चला तो उस चीज़ों को भी हम लोगों ने तस्दीक किया। तो इस प्रकार कल ही के दिन जबकि कांवड़ का मुख्य त्यौहार चल रहा था ऐसी घटना कारित की गई, ये दर्शाता है कि मंशा गलत थी और ऐसा अगर होता तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था, लेकिन जो हमारी तैयारियां थी और जो हमारे पीस कमेटी के लोग थे उनकी संजीदगी से कोई बड़ी घटना होने से रोकी गई। इसमें सर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पर अभी तक क्या कोई पूछताछ में कोई तथ्य सामने आया है कि ये सिर्फ बिजनौर तक ही सीमित था मामला या फिर और जगहों पर भी ऐसी कोई प्लानिंग या इनका कोई ग्रुप था एक्टिव था जो बाकी जगहों पर काम कर रहा? नहीं, मुकदमे संगीन धाराओं में है जो कि शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन इस संबंध में प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी और एक्ट्स में भी कार्रवाई करेगा और इस तरह के कोई भी प्रयास को कुचल दिया जाएगा और अपराधियों के साथ बहुत ही सख्त से कार्रवाई की जाएगी। इसमें यूपी पुलिस ही अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है या सेंट्रल एजेंसीज ने भी इंक्वायरी की है, इस बारे में कोई जानकारी ली है आप लोगों से कि वो लोग इन्वॉल्व हुए हैं इसमें? अभी तो इसकी विवेचना उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है और हमारा संपर्क सभी एजेंसीज के साथ लगातार रहता है और उसके लिए कोई ये कोई नई बात नहीं है। कोई इस तरह की घटना होती है तो हम सभी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।